वेलकम टू अभिमन्यू आई एस नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपेशन ऑफ यूर जी एस पेपर टू और यूज कैन सी सेट दूसरा नाम क्या इसका सी सेट कलियर तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली अर्थमेटिक बेस क्वेश्चन ज्यादा है ठीक है बट इसको इंक्लूड किसमें किया जाता है बेसिकली नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कहते हैं तो दो क्वेश्चन है मेरे पास एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है और एक क्वेश्चन हम करेंगे सिर्फ एक कि कैसे दो तरह के कि एक तरह का क्वेश्चन दो तरीके से कैसे पूछा जा सकता है और ये हमारा है माइक्रो लेक्चर नंबर फिफ्टीन जैसे माइक्रो लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है वैसे ही माइक्रो कोर्स के थ्रू आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं एक बहुत बढ़िया सीरीज का क्लियर क्योंकि आप क्या करो पूरा चैप्टर करो उसके बाद प्रीवियस ईयर भी वहीं पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहीं पे लेक्चर्स भी वहीं पे पीडीएफ सब वहीं पे मिलेगी आपको वो बताऊंगा एंड लेक्चर की एंड वे में चलिए देखिए क्वेश्चन इज अ अ मंकी क्लाइम्स ऑन पोल ऑफ हाइट थर्टी मीटर इन द फर्स्ट मिनट ही क्लाइम्स मीटर बट इन द सेकेंड मिनट स्लिप्स डाउन ट्वेल्व मीटर द द द प्रोसेस टिल ही रीच इन टॉप ऑफ पोल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ऑन द टॉप ऑफ द पोल देखो सबसे पहली बात एक बात याद रखो सबसे पहले पोल कितने मीटर का है पोल है मेरे पास थर्टी मीटर का है जीरो मीटर और थर्टी मीटर है देखो कभी भी लास्ट के मिनट में हो या पर्सन कुछ भी दे रखो वो स्लिप डाउन नहीं कर सकता इसका मतलब लास्ट के एक मिनट का काम पहले कर लो यानी अगर मैं लास्ट के मिनट का काम करूं तो क्या होगा फर्स्ट मिनट ही यानी पंद्रह मीटर चढ़ेगा यानी लास्ट के एक मिनट की बात करूं बट उसके पहले टोटल तीस मीटर था टोटल तीस मीटर था मेरे पास तो पंद्रह मीटर अभी भी इसको चढ़ना बाकी है बस ये थोड़ी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि लास्ट के एक मिनट का काम करा दो कि जब पंद्रह मिनट होंगे ना वो झटक के ऊपर चढ़ जाएगा पंद्रह मीटर काम खत्म इसका मतलब जब लास्ट मिनट की मैं बात नहीं कर रहा तो मेरे पास क्या है इन द फर्स्ट मिनट देखो फर्स्ट मिनट क्या हो रहा पहले है पहले मिनट में ही क्लास पंद्रह मीटर यानी पंद्रह मीटर ऊपर चढ़ेगा ठीक है बट इन द सेकंड मिनट यानी सेकंड मिनट में क्या हो रहा है मेरे पास वो माइनस बारह मीटर नीचे उतर रहा है यानी दो मिनट के अंदर क्या हो रहा है मेरे पास तीन मीटर चढ़ रहा है <coughs> अगर मैं लास्ट वाले मीटर को छोड़ दू मुझे पहले दस मिनट हो गया इसका यहां से यहां चढ़ने में कितने मिनट लगे दस मिनट दसवें दस ग्यारहवें मिनट में क्या करेगा मिनट कवर कर लेगा तो आंसर नंबर डी यानी आंसर है मेरा ग्यारह मिनट क्लियर <kuh> तो ये बंदर वाले क्वेश्चन ऐसे आपके पास आ सकते हैं क्लियर चलो अब जो हमें क्वेश्चन आया वो वो कैसा है वो देखो चलो ये क्वेश्चन हमारे पास यूपीएससी से दो हजार सत्रह में हुआ कैसे क्वेश्चन आया देखो देर आर थ्री पिलर एक्स और डिफरेंट हाइट्स थ्री स्पाइडर मंकी स्पेडर्स बोला ए बी सी स्टार्ट टू क्लाइम ऑन दिस पिलर साइमटेनियसली इन वन चांस ए क्लाइम्स ऑन एक्स बाय सिक्स मीटर बट स्लिप डाउन वन मीटर अब उसने क्या बोला एक चांस उसने टाइम की बात नहीं की है उसने कहा पहले चांस में एक्स क्या कर रहा है अगर मैं एक्स की बात करूं एक्स एक चांस में क्या कर रहा है देखो एक्स ने एक चांस में क्या किया एक क्लाइम्स इन आ, वन चांस एक क्लाइम्स यानी ए कर रहा है एक्स बाय सिक्स यानी यहां पे आएगा मेरे पास ए एक्स पे कर रहा है और क्या कर रहा है छह मीटर जा रहा है बट स्लिप डाउन वन मीटर यानी वन कितना हो गया बेसिकली पांच मीटर चलेगा तो, <coughs> क्लियर है पांच मीटर चलेगा ठीक है बट बी क्लाइम्स ऑन वाई बी क्या कर रहा है एक चांस पे क्या कर रहा है वाई पे क्लाइम कर रहा है और कितना कर रहा है एक सात मीटर जाएगा बट तीन मीटर नीचे आ गया तो कितना हो गया मेरे पास ये पूरे एक चांस की बात है ठीक है कहने का मतलब है इन दो ए बी सी है ना चलो सी की बात कर लेते हैं सी वन चांस में कितना जाएगा ये जेड पे जा रहा है कितना जा रहा है जा रहा है और दो मीटर नीचे आ गया तो एक चांस कितना जा रहा है? 4, मतलब जो ए है वो एक्स नंबर के बोल पे चढ़ रहा है बी क्या कर रहा है, वो वाई पे रहा है। और सी क्या कर रहा है जेड पे चढ़ रहा है के बेसिक समझ लो और इन तीनों की हाइट अलग अलग है लास्ट में तीनों ऊपर पहुंच रहे में ये डेफिनेटली ऊपर पहुंचेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना अभी कि लास्ट के एक में वो उतरेगा चांस क्या था लास्ट में कितना जाएगा छ जाएगा ये कितना जाएगा? सात जाएगा और ये कितना जाएगा पांच जाएगा <coughs> इसके पहले कितने चांस बचे थर्टी नाइन चांस बचे ईच के लिए यानी अगर एक चांस में पांच जा रहा है तो थर्टी नाइन चांस में कितना जाएगा ये अगर मैं एक ही बात करूं ए का डिस्टेंस कितना है मेरे पास थर्टी नाइन टू फाइव मार्च यह थर्टी नाइन टू फाइव पांच ती पंद्रह एक सौ पैंतालीस प्लस छः एक सौ कितना हो गए? पांच पाँच ती पंद्रह नौ पाँच पैंतालीस ये कितना हो गया मेरे पास बट वो क्या कर रहा है वो स्लिप डाउन कर भी रहा है दो मीटर है ना तो माइनस टू क्या करेंगे इसमें या माइनस माइनस इसमें होना चाहिए हाँ जी बताओ जरा एक सौ पचानवे नहीं होगा इसमें एक सौ पचानवे प्लस एक, हो एक ले कितना हो गया एक लिए कितना हो गया दो सौ एक हो गया क्योंकि मैंने जैसा बताया लास्ट के मिनट में वो कुछ नहीं करेगा वो लास्ट के मिनट में से चढ़ने वाला उतरेगा नहीं क्लियर सेकंड की बात करो सेकंड क्या कर रहा है अगर मैंने बात की थी सात की एक में चार तो थर्टी नाइन में कितना जाएगा तो वन फिफ्टी सिक्स प्लस सेवन बी की बात करें तो कितना हो गया यहाँ से एक सौ छप्पन प्लस सात एक सौ तिरसठ हो गया मीटर सी की बात करें तो इंटू थर्टी नाइन देखो साढ़े चार इंटू थर्टी नाइन करना है फोर पॉइंट फाइव इंटू ऑफ थर्टी नाइन ठीक है तो थर्टी नाइन टू फोर कितना हो गया थर्टी नाइन इंटू फोर देखो कितना हो गया या इसको पाँच से करके माइनस पाँच कर लें थर्टी नाइन देखो पहले थर्टी नाइन करो थर्टी नाइन इंटू पॉइंट फाइव कितना होगा नाइनटीन पॉइंट फाइव हो गया आप थर्टी नाइन इंटू फोर कर लो थर्टी नाइन टू फोर कितना हो गया मेरे पास देखो सोलह एक सौ छप्पन तो एक सौ छप्पन प्लस नाइनटीन पॉइंट फाइव प्लस सिक्स पॉइंट फाइव एंड में कितना तो ये कितना हो गया बीस बाईस यानी एक सौ छप्पन प्लस कितना हो गया छब्बीस तो ये कितना हो गया वन टू मीटर क्लियर कितना हो गया वन टू तो सबसे छोटा क्या रहा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी वन सिक्सटी थ्री मीटर क्लियर तो ये क्वेश्चन था जो एग्जाम में हमारे पास पूछा गया था क्लियर स्टूडेंट तो ध्यान रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लास्ट के मिनट में सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको दे है, स्पाइडर दे है, आपको कुछ भी दे तो नी रखा चलिए तो ये था मेरे पास क्वेश्चन अब देखो ऐसा कोर्स के थ्रू कैसे आप तैयारी कर सकते हो बताता हूँ आपको क्लियर देखो सबसे पहले मुझे मैं हमेशा हर लेक्चर में बताता हूँ मुझे तीन चार चीजों की जरूरत पड़ती है सबसे पहले क्या होता है मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर का पता होना चाहिए नंबर दो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका सोल्यूशन प्लस प्रेक्ट्रिक क्वेश्चन अगर ये चारों एक ही जगह पर मिले तो कितना फायदा हो देखो जरा देखिए जरा बात करते हैं <coughs> चलिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स क्लियर चूज एग्जाम हमें जाने सिविल सर्विस क्लियर <coughs> देखो सारे सब्सक्रिप्शन वीडियो एंड आर अब माइक्रो कोर्सिस क्लियर देखो जैसे मैं बात करूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस चैप्टर से जितने ज्यादा क्वेश्चन आए उतना इंपॉर्टेंट तो साफ साफ मुझे ऑलरेडी पता ना देखते हो भी बट अगर देखना हो इस आई बटन पे क्लिक करो आपको सारे के सारे ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे 2023 में 18 क्वेश्चन 22 में 10 क्वेश्चन 21 में नौ क्वेश्चन 20 में 15 क्वेश्चन तो ये मेरे पास क्या 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की यहां से नॉलेज मिल गई उसके बाद सपोज करो मैं नंबर सिस्टम को ट्राई करना चाहता हूं बट टाइम फाइंडिंग ओनली फिफ्टी यानी रुपीज़ एक साल के लिए पूरा मिलेगा सब्सक्रिप्शन मुझे क्लियर लेक्चर्स मिल रहे हैं मुझे जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो विलूशन दिए हुए ठीक है वेब नोट्स का मतलब इसमें सारी पार्ट होगी कोई फॉर्मुलाइन हो सकता है कोई शर्ट क्वेश्चन हो सकते है, है, मतलब हैं क्लियर नेक्स्ट फोर फोर्टी वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चार सौ इकतालीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन तो नहीं है इसमें प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड कितने रुपए का सिर मेरे पास थ्री फिफ्टी फाइव रूपये पूरे साल के इसी तरीके से आप देखो परमिनेशन कॉम्बिनेशन जो आपको चैप्टर मुश्किल लगता है या आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं देखिए जैसे लॉजिकल रीजनिंग एलिजीबिलिटी यहाँ पे भी आई बटन पर क्लिक करते सारा आपको क्वेश्चन का डेटा मिलना शुरू हो जाएगा क्लियर है देखो मैं जो पर्सनली मानता हूँ ना वो कॉम्प्रेशन हर बच्चों को करना चाहिए बिकॉज कॉम्प्रीहशन ऐसा सब्जेक्ट है टॉपिक है जिसे हम बड़ा लाइटली लेते हैं जैसे थ्री फिफ्टी एट रुपीज मुझे क्या मिल रहा है में मुझे क्या मिल रहा है लेट मी ट्राई दिस देखो क्या मिल रहा है छः लेक्चर एक वेब नोट्स और ऑलमोस्ट थाउजेंड ग्राउंड क्वेश्चन और सिर्फ कितने रुपये में देखो सिर्फ कितने रुपये में मेरे पास फोर ट्वेंटी थ्री रुपीज में वर्ड बिल्डिंग एंटोनिमसम जरूर लो बिकॉज अगर पैराग्राफ समझ ही नहीं आएगा तो आंसर कैसे करोगे आप टिपिकल वर्ड्स वर्ड होंगे इसमें ठीक है टू हंड्रेड ग्राउंड बुक ऑफ का फ्री काउंसलिंग सेशन लीव यूर नंबर एंड वी विल कॉल यू तो कॉल में व्हाट्सअप कर सकते हैं यहाँ पे दस डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के ठीक है ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो भी हमारे चल रहे हैं क्लियर है आप कुछ भी ले सकते हैं मैं पर्सनली बच्चे को बोलूंगा सर की मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर लो माइंड खुलेगा आपका हर चीज को लेके क्लियर और ये जो सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेगा फ्री वॉर्म ऑफ कोर्स के अंदर ठीक है ये हमारे थे दो हजार बाईस तेज के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर जैसे स्पर्स की बात करो फिफ्टी वन अर्नब का फिफ्टी सिक्स जत और ये इन बच्चों ने लिखा हुआ क्यों पच्चीस साल से अभिमन नंबर वन बना हुआ शुरू में बोला था नंबर वन पच्चीस साल से नंबर वन बना बाईस के साथ क्लियर थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम इंटरव्यू प्रीपरेशन एट गिव मी अ रियल इन साइड विच हेल्प अ लॉट परफॉर्मिंग इफेक्टिवली मतलब आपका प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी यहीं पे होगी एक बार जुड़िए मौका दीजिए फिर देखिए कैसे अब आइए के निकले यहाँ से क्लियर तो सारे सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बोलिए थैंक यू स्टूडेंट्स